कि पिच का बहुत ज्यादा बिल्कुल रोल होता है कि आपकी परफॉर्मेंस उससे बहुत ही मतलब उसके मुताबिक होती है, लेकिन कल डेविड वार्नर भी इसी पिच पर बहुत अच्छा खेल गए, मिच मार्श बहुत अच्छा खेल गए। अच्छा, अगर बात की जाए आज के बारे में, तो हमें उम्मीद थी शान मसूद से, वो भी आउट हो गए, तो हमारे प्लेयर्स को किसी भी ग्राउंड में चले जाए, इन्हीं को पिच तंग क्यों करती है? शान को कन्वर्ट करनी चाहिए अपनी बारियों को। सबसे पहली बात यह है कि जब आप देखें, एक जैसे इमाम की बैटिंग निस्बतन सुस्त थी, और उन्होंने बहुत बॉल लिए, बहुत ज़्यादा बॉल लिए, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके सामने डेविड वार्नर की मिसाल मौजूद है। मिच मार्श तो डेविड वार्नर से भी ज़्यादा खुला खेले और नीचे खेले, और उनकी इनिंग्स भी उतनी अहम है जितनी कि डेविड वार्नर की भी है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने ये चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। यही फ़र्क जो है, ये फिजिकली फिट जब आप होते हैं, आपने बहुत मेहनत कर रखी होती है, जब आपने बहुत ज़्यादा मशक कर रखी होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है, वो आपको रिपीट करती है जब आप मैदान में खेलते हुए नज़र आते हैं। तो ये पाकिस्तान का मसला ये है, स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, और वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। शान को अपनी बारी को कन्वर्ट करना चाहिए 30 into 60, 60 into 90, 90 into 120। जब तक वो ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं होगी, और जिस इंपॉर्टेंट नंबर के ऊपर अब वो बैटिंग करने के लिए आया करेंगे, आज भी आए और आने वाले दिनों में भी आएंगे, क्योंकि अजहर अली रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर ये नंबर 3 पर खेलने के लिए आ रहे हैं। तो इनको अपनी बारी को कन्वर्ट करना चाहिए, उनमें सलाहियत मौजूद है, वो आज भी देखें इंटेंट के साथ खेले। ये एक बहुत ही ओवर यूज वर्ड है पाकिस्तान में, इंटेंट। लोग खुश हैं, और देखो जी वो खेला तो है, और भाईजान अभी 3 दिन बाकी हैं टेस्ट मैच के, ऐसे ही है। आपने 4th दिन टेस्ट मैच नहीं खत्म करना, आपने 5वें दिन लेकर जाना है, उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, इमाम गलत थोड़ा सुस्त खेला है, गलत नहीं कहा जा सकता, थोड़ा निस्बतन सुस्त रफ्तारी से खेला है, बावजूद मौजूद है। उसकी 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 रन्स करने की रफ्तार वो नहीं थी जो हो सकती थी या जो वो कर सकता था, लेकिन 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं। अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ भी लेकर जाता है, और पाकिस्तान ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाता है टेस्ट मैच को, तो ये कोई इतनी खराब कारकर्दगी नहीं होगी। और आपको ड्रॉ करने के लिए भी मैक्सिमम टाइम क्रीज पे गुजारना है, ये नहीं है अब 30 करके ये भी आउट हो जाता ना, तो इस वक्त पाकिस्तान के 6 आउट हुए पड़े होते। इस वक्त पाकिस्तान के इन्हीं रन पर 125-30 के ऊपर 6 आउट हो सकते थे, जो कि नहीं हुए। जितनी लंबी बैटिंग होगी ना, उतना ही ज्यादा बाहर से आने वाले को ना एतमाद मिलेगा। अगर इसके बाद चूंकि आप खुरम आए हैं नाइट वॉचमैन के तौर के ऊपर, तो इनके बाद बाबर ने आना है, तो बाबर बाहर बैठे देख रहे होंगे ना, तो उनको एक सपोर्ट मिलेगा जब वो आए, उनको एक यकीनी तौर पर जब बाबर अगर रन बैटिंग के लिए आएंगे, तो वो इतना सुस्त नहीं खेलेंगे जितना कि इमाम खेल रहे हैं। उनके शॉट्स डिफरेंट हैं, उनकी क्लास बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो अच्छे बॉल को भी उतने ही अच्छे तरीके से उससे बाउंड्री निकाल सकते हैं, मतलब वो एक बहुत अच्छे गेंद के ऊपर भी बाउंड्री निकाल सकते हैं। तो इमाम के ऊपर जो बात हो रही है, लोग मुख्तलिफ अंदाज में, लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं, लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, लोग उसको मतलब किस किस चीज़ों से मिला रहे हैं, ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे सरफराज अहमद से ड्रॉप, एक उनके स्टंपिंग जो थी वो ड्रॉप हुई, मिस हो गई, लोगों ने उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दी। यार सम टाइम आप कैच कर पाते हैं, सम टाइम आप नहीं कर पाते हैं, सम टाइम आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, सम टाइम आप नहीं कर पाते हैं। जो सरफराज का स्टंपिंग थी वो अगर हो जाती तो गैर मामूली होती, वो इतना आसान नहीं था। आप देखें कि उसमें हुआ क्या है, एक तो डेविड वार्नर आगे निकले, क्रीज छोड़ी आगे निकले, तो विजन का कोई ना कोई तो मसला हुआ होगा कि बॉल कहाँ पिच हो रहा है। फिर जैसे पड़ा है ना बॉल, तो वो सरफराज ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि बॉल उनके शोल्डर पे आएगा, वो नीचे हैं, उनका ख्याल है कि बॉल यहीं से आएगा और वो ले जाएंगे। तो ये क्रेडिट पर्थ की पिच को जाता है कि जिसकी वजह से बाउंस इतना हुआ, और फिर उसके ऊपर उनको तजहीक का निशाना बनाया गया। इमाम के साथ भी यही सूरत हाल है। देखें, आपने शायद अफरीदी साहब का जिक्र किया, ये उनका क्रिकेट नहीं है, ये शायद अफरीदी साहब की क्रिकेट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट ठीक है जी, ये इमाम की ही क्रिकेट है, ये बाबर की ही क्रिकेट है। पाकिस्तान को जब आप T20 क्रिकेट खेलने की तरफ जाते हैं ना, तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है, लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आपको टेक्निकली साउंड बल्लेबाजों की जरूरत है, आपको क्रीज ऑक्यूपाई करने वाले लंबा खेलने वालों की जरूरत है। आप देखिए, ये भी खान साहब ने क्या कहा, किन किन चीजों का ये आपका टेस्ट है, स्किल का टेस्ट है, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है, आपकी आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस का तो सबसे बड़ा टेस्ट है। तो ये इमाम के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, होंगे उनकी उनकी जो स्ट्राइक रेट है इससे बेहतर होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान को कुछ क्रीज ऑक्यूपाई भी करना है, पाकिस्तान को कुछ वक्त भी गुजारना है, कुछ वक्त भी गुजारना है। ब्रायन लारा, माइकल वॉन,
बहुत बहुत से बल्लेबाज गुजरे हैं जिन्होंने पूरा पूरा दिन बैटिंग करके टेस्ट मैचेस बचाए हैं, टेस्ट मैचेस को बचाना भी जीतने से कम नहीं होता है। तो पाकिस्तान की इस वाली इनिंग्स में जिसमें अभी तक इमाम खेल रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कल का सारा दिन बैटिंग कर जाएं, बिल्कुल 125-150 तो उनका हो ही जाना है। अगर वो पूरा दिन बैटिंग करते हैं ना तो उनका जाती स्कोर जो है ना वो भी 150 से ऊपर जाना ही जाना है। अगर इसी रफ्तार से भी खेलते रहे, अगर वो 150 करते हैं तो पाकिस्तान तो 300 से ऊपर चला जाएगा। और अगर पाकिस्तान 300 से ऊपर चला गया, और जैसे खान साहब ने कहा कि कल का दिन इस टेस्ट मैच के लिए बहुत अहम है, अगर पाकिस्तान कल का दिन सर्वाइव करता है ना तो फिर पाकिस्तान वो शिकस्त वाले उस दौर से बाहर निकलने की तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि बाकी रहेंगे दो दिन, दो बारियां होंगी। ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान को दोबारा पकड़ने के लिए कम से कम 300 रन ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे, और 300 रन करने के लिए आपको और कुछ नहीं तो कम से कम 70 की ओवर तो खेलना पड़ेंगे ना, तीन सेशन की तरफ तो आप जाएंगे ना, तो टाइम किल हुआ तो पाकिस्तान के पास मौका होगा कि वो इनके साथ खेल सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। देखते हैं अब आगे होता क्या, लेकिन ये हर वक्त छक्के, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, और ये 5 दिन का खेल है, 90 ओवर रोजाना करने हैं। आप जाके जरा खेलें पैट कमिंस के 10 ओवर अंदर, आपको लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है अंदर आपके साथ, ऐसा है। हफ्ता पता क्या बात है कि हम ये चीज भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग की कंडीशन है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। द रीजन इज कि हम यूज टू है लो बाउंस स्लगिश पिच, स्लो पिचेस, जहां पर बॉल हाइट पर नहीं आता तो आप उसको फ्रंट फुट पर मैनेज कर लेते हैं। बट इन ऑस्ट्रेलिया अब आप ये देखें कि अगर आप पूरा ग्राफ बनाए ना आज के खेल का, कि पाकिस्तान ने जो जितने भी मिखल 48 या 49 ओवर्स खेले हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉल्स दे हैव बीटन द बैट, बिल्कुल। और उसमें मैं थोड़ी सी ये बात करके खत्म होता हूँ कि वो जो बाउंस है ना वो टोटली डिफरेंट है। हमारे बैट्समैन क्योंकि फ्रंट फुट के आदि होते हैं, जब वो आगे जाते हैं ना तो बाउंस की वजह, स्टीप बाउंस की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑस्ट्रेलियन की कंडीशन से यूज टू होने के लिए आप जब तक वहां पर पिच पर वक्त नहीं गुजारेंगे, हाफिज साहब ने बिल्कुल इमाम की सही बात की है कि उसको ये पता है कि उसने जितना भी ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज वो करेगा उतना ही उसके लिए, उसकी टीम के लिए फायदा मंद होगा। तो ऑफ कोर्स के हम 138 बॉलों में 38 की हैं, मगर ये देखें कि उसने अपनी विकेट गवाई नहीं, विकेट ही गवाई है। बिल्कुल जी जनाब, बड़ी जबरदस्त टाइम पे हमारे साथ ज्वाइनिंग हुई है अनस सईद की, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे आप? बस शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं? हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप वापस जो हाफिज साहब हैं, सब गेस्ट हैं, सबको मेरा सलाम जो साथ बैठे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और पिच की हम सब तो बातें यहाँ बैठकर कर रहे हैं, कुछ ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, कुछ लोग जो है वो ये भी, बल्कि अभी मेरे साथ जो है खान साहब मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि पिच जो है वो ड्रॉप इन पिच है, आप उसको विटनेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे, पिच कैसी है, क्या मुश्किलात आ रही है पिच की जानिब से? देखें, जो पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम है वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेज यूज होती है। सिरे से पहले वहाँ पे जो पिच को फिट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे बाकी खेलों के मैचेस भी होते हैं तो इसलिए वहाँ पे ड्रॉप इन पिच यूज की जाती है। लेकिन अगर हम पिच की बात करें तो पर्थ की पिच हमेशा से जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है और सबको मालूम है, लेकिन इस वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट जो प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है उसमें आपको कोई फुल टाइम जो स्पिनर है वो भी नजर नहीं आया, तो फास्ट बॉलर को तरजीह दी गई है। जिस तरह आमिर जमाल ने एक शानदार बॉलिंग की, 6 विकेटें ली हैं, तो एक उनका यादगार जो है वो डेब्यू हुआ है। लेकिन जो आमिर जमाल की पेस थी वो बाकी बॉलर से ज्यादा थी, जिस तरह से जाहिर हो रहा था कि वो विकेट इजीली ले रहे हैं, तो वहाँ पे पेस जो है वो ज्यादा चाहिए होगी, ताकि जिसके पास ज्यादा पेस होगी वो ज्यादा विकेट लेने में कामयाबी हासिल करेगा। तो इसलिए वहाँ के जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर पे सपोर्ट करती हैं। तो बाउंसी पिचेस हैं, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में यही होता है कि बाउंस आता है, तो मैच जो है वो अभी तक जो है वो ठीक चल रहा है। लेकिन जिस तरह हाफिज साहब ने कहा है कि वो अगर हम बैटिंग पे काफी तनकीद की जा रही है इमाम की बैटिंग पे, तो मैं समझता हूँ ये बिला वजह की तनकीद है। अभी जो है वो क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है, विकेट को बचाना जरूरी है। हो सकता है कि पाकिस्तान टीम ये मैच ना जीत सके, लेकिन फिर हमें ड्रॉ की तरफ जो है वो ज्यादा जाना चाहिए। कोई इनसाइड न्यूज है आपके पास, क्योंकि आप तो वहाँ पे मौजूद हैं, प्लेयर्स का रवैया कैसा है, प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो कैसी है? सुनने में आया कि इमाम को भी बॉल लगी है कमर पे काफी जोर से।
देखें जो खेल है उसमें तो बॉल लगती है, लेकिन इस तरह की अपडेट तो कोई नहीं है कि इमाम अभी इंजर्ड हुए हैं। तो जो प्लेयर्स हैं यकीनन उन्होंने, मैंने कैनबरा में कवरेज की है, काफी ज्यादा इन्होंने ट्रेनिंग की है, लेकिन जो कुछ प्रेशराइज नजर आ रहे थे मुझे वहां पे, खासतौर पे मोहम्मद हफीज की बात करूंगा, वो कुछ उनमें प्रेशर नजर आ रहा था, क्योंकि वो मैं समझता हूँ पहली उनकी असाइनमेंट है, और यकीनन पेलिया की जो उनको असाइनमेंट मिली है तो उन पे प्रेशर बनता भी है, और इसका शिकवा उन्होंने किया भी है कि कैनबरा की जो पिच है वो उस तरह की फास्ट ट्रैक नहीं बनाएगी।